اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة अल्लाह एक ही हनेरी चल गई तेरी खलकत तेनू भुल गई तेरे नबी दी उम्मत रुल गई कर्म कमा दे तू साईं वहदत नाद वजा दे तू दिल कुदसी आंदे तड़पा दे तू वावा लज्जती रात के आमंदर दशे वावा ने रब दे कुरान अंदर वावा लज्जती रात खलो नेंदी हाथ बन के कैदी होने दी प्यारे रब दे अगे रोने दी ओदा रो रो अर्श हिला दे तू सही वहदत नाद वजा दे तू दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سامعین محترم اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی محترم دوستو بزرگو واجب الاحترام واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنو قرآن پاک دے جس مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 29واں پارہ سورت دا نام سورہ مدثر قرآن پاک دی ان آیات دے اندر اللہ رب رحمان نے اقدام تے فکر اپنے بندیاں نو دیتی ہے کہ قیامت دے دن ذلت رسوائی دا سما او لوگ ہون گے کہ جڑے دنیا دے اندر اللہ دی یاد تو غافل ہون گے حالات اس قدر ہو چکے نے گھراں دے گھر بے نماز نے بستیاں دیاں بستیاں بے نماز نے اذان ہوندی ہے پرواہ نہیں کوئی نماز دی دعوت دیندا ہے او دا حیا نہیں کائنات اندر زندگی بسر کرنے والو قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر سب تو پہلے اگر سوال کیتا جانا ہے تو نماز دے بارے سوال کیتا جانا ہے جمعہ دا وقت چونکہ بہت قلیل ہوندا ہے میں نماز دی اہمیت و افادیت بیان کراں نماز دے متعلق جزا اور سزا بیان کر بے نماز دا انجام بیان کر میں آج دے اس عظیم شان مرکز دے اندر نماز دے فائدے ادا کراں گا کہ انسان
मुत्तकी बंद है, मोमिन बंद है, अल्लाह दा मुकर्रब बंद है, ओ नमाज पढ़ेगा ते फिर गल बनेगी। अंबिया औलिया अतकिया असफिया आइमा कुरान पाक और अहादीस दा मुताला कर लो। जगह जगह रब्बे कायनात ने नमाज दा हुक्म दिता। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तो पहले नबी नमाज़ां दी पाबंदी करने वाले, अगरचे नमाज दे वक्त अंदर नमाज दी अरकात अंदर और नमाज अंदर फर्क है, लेकिन सारे दा सारा कुरान इस बात दी दलील है कि रब्बुल आलमीन दे जितने भी पैगंबर कायनात दे अंदर तशरीफ लाके आए ओ खुद भी नमाज़ां दी पाबंदी कर दे, अपनियां औलादां ते अपनियां कौमां नूं आगाह कर दे। हुण अल्लाह कोलो दुआ करिए कि रब्बुल आलमीन सानू ते साडियां औलादां नूं नमाज़ दा पाबंद बना दे। इस्लाम दे अहम अरकानां दे विचों इक रुकन है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही अल बुखारी मुस्लिम दी रवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन इस रवायत दे रावी ने, मेरे आका अली सलाम ने इस्लाम दी बेस तो आगाह फरमाया, इस्लाम दे अरकान बयान फरमाए कि जिस इंसान ने इस्लाम दे अरकाना विचों एक रुकन नूं ठुकरा दिता गोया कि उस बंदे ने पूरे दायरा इस्लाम नूं ठुकरा के रख दिता। मेरी वाज दा जुमे दा मकसद ए वे कि पूरे मजमे दे अंदर एक बंदा नमाज दा पाबंद हो जाए, खुदा दी कसमे साड़ी नजात दा सबब बनेगा। आसमान ते अल्लाह दी जात साडे ते राजी हो जाएंगे। ऐ इस्लाम दी बुनियाद एदे अहम अरकान केड़े ने गौर करे आजे। रब्बे जुल जलाल दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने नबुव्वत दे विचो इरशाद फरमाया, फरमाया बुने अली इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्लाह इलाह इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल व इकाम सलाती व इता इज़्ज़ाती व लहज व सौम रमज़ान। ऐ
इस्लाम दी बुनियाद ते इस्लाम दी बेस है। हुजूर अली सलातो सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस्लाम दे पांच अहम अरकाना ते अमल प्यारा हुंदा ओनू मोमिन भी तसव्वर कीता जांदा, ओ मुत्तकी ते अल्लाह दा मुकर्रब ते प्यारा भी कहलवांदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम ने कितनी प्यारे अंदाज नाल अपनी प्यारी उम्मत नु बात समझाई है। फरमाया शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम दा पहला रुकन एवे के गवाही देना अल्लाह तो इलावा इलाह कोई नहीं, ओदे तो इलावा मुश्किल कशा कोई नहीं, ओदे तो इलावा कोई बिगड़िया बनान वाला नहीं, ओदे तो इलावा कोई गरीब नवाज ते दाता नहीं है, ओदे तो इलावा कोई औलादां दे अंते कादर नहीं है, ओदे तो इलावा कोई इज्जत ते जिल्लत दा मालिक नहीं है। वा अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दी है नबुवत खत्म नबुवत ईमान ले आना, यानी आमिना दे लाल अल्लाह दे बंदे ते ओदे रसूल ने। और दूसरा रुकन केड़ा है? फरमाया हुआ एकाम सलाती नमाज अदा करना है, वा ईता जकाती जकात अदा करना है। फरमाया वाला हज अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दा तवाफ करना है, वा सौम रमजान रमजान दे रोजे रखना है। अल्लाह दी तौहीद दा दर्स देन वास्ते आदम तो लैके आमिना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम तक नबी आए है। एदे अंदर शक नहीं है बंदा रमजान दे रोजे रखे। हाँ ओ बंदा रमजान दे रोजे ते रख नहीं सकदा जेड़ा बीमार है, कोई दुखी ते लाचार कमजोर है। हज भी उस बंदे वास्ते जरूरी है जिनो अल्लाह जुल जलाल ने रुपए पैसा ते हज दी ताकत दीती है। जकात भी ते ओहो ही बंदा दे सकदा है जेड़ा साब नसाब होए, लेकिन नमाज एक ऐसा अहम रुकन है, नमाज एक ऐसा अहम सबक है, नमाज एक ऐसी अल्लाह ना ऐसी मुलाकात है जिदे बारे आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने कुर्रतो अईनी फिस्सलात। और दुनिया दे लोगों ने मात मेरिया अखां दी ठंडक है। अगर नबी नाल प्यारे हुजूर अली सलाम दी जात ते मेरे आका दी बात ना प्यारे, आओ लोगों आप भी नमाजी बन जाइए, अपने अहलो अयाल नू नमाज दिया तलकीना कर रही है, अपनी औलाद अपने बीवी बच्चिया नू नमाज दा सबक याद करा दई है। खुदा दी कसम ए अमल अल्लाह दी रहमत ना फायदेमंद है। और तू ते मैं किस बाग दी मूली है, इत्थे ते रब दे नबी भी अल्लाह कोलो नमाजां दी पाबंदी दी दुआ कर रहे।
अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर, अल्लाह जुल जलाल दे बड़े ही प्यारे नबी ने हजरत जनाब इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम ने हाथ चुक दे ने अपने मालिक ओ खालिक दे सामने ते पता की आंदे ने फरमाया रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन जुर्रियती रब्बाना व तकब्बल दुआ। रब्बाना गफिरली वाले वाले दैया वालिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। ए अल्लाह दे बड़े ही बरकजीदा नबी ने ते रब्बुल आलमीन दे बड़े ही प्यारे पैगंबर ने अल्लाह जुल जलाल दे सामने दुआ ते इल्तजा की कर दे ने अरशां वाले रब्बा मैनू नमाज़ां दी पाबंद बना दे। अल्लाह जुल जलाल दे बड़े ही प्यारे वेखो नबी ने और एहो ही नबी ने के जिन्हां अपने वास्ते ते अपने अहलो अयाल वास्ते अल्लाह जुल जलाल दे सामने दुआवा कीतिया। अब गौर कर दे जाना एक वेला ऐसा आया मीलो मील सफर करके जनाब खलीलुल्ला अलैहि सलातो व सलाम अपनी अहलिया ते अपने पुत्र नु ओ जिथे जमजम दा खूए ओ गैर जीजर अलाका जेड़ा जिते कोई चीज भी अजे मुयसर नहीं सी है अल्लाह जुल जलाल दे खलील रब्बुल आलमीन दे कर बैतुल्ला दे करीब बैठा के वापस आ गए ते बीवी दौड़ी दौड़ी जनाबे खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दी तरफ आ रही है। वे रब दे खलील साढ़े को खता ते गलती की हुई मैं दसना चाहना रब दे नबी अपनी औलादा वास्ते दुआवां कर दे गए अल्लाह साडिया औलादा नू नमाज दा पाबंद बना दे। जे तू दादा है अपने पोतरिया वास्ते दुआ क्यों नहीं करदा, जे तू नाना है अपने दोतरिया वास्ते दुआ क्यों नहीं करदा, जे तू बाप है अपनी औलाद की फिक्र क्यों नहीं करदा। और दुनिया दे काम कार वास्ते दे बड़िया फिकरा करन ए रब दे खलील अलैहि सलातो व सलाम तुरे जा रहे अल्लाह दे घर बैतुल्ला दे करीब इन्हां नू ठहरा दिता है। इत्थे कोई मकान नहीं, इत्थे कोई कोठा नहीं, इत्थे कोई मेडिकल स्टोर नहीं, इत्थे कोई आबादी नहीं ते अहलिया कह रही है ए रब दे खलील की खता हुई है। अल्लाह दे खलील कोई गल बात नहीं कर दे ते मां जी फरमा दिया ने ए दस फिर सानू की दे सपुरद करके जा रहे हो। रब दे खलील ने आसमाना दी तरफ इशारा फरमाया ते अम्मा जी फरमा दिया ने ए मेरे खलील फिर टुर जाओ जी दे सपुरद करके चले औजाद सानू कदी जाया नहीं कर सकती। रब दे खलील थोड़ा जी अगे गए बीवी नजर नहीं आउंदी बेटा बद नजर नहीं आउंदा ते प्यारे खलील ने आसमान दी तरफ हाथ चुके ते दुआ की करदे ने कुरान सुन लो अल्लाह फरमांदे ने रब्बाना इन्नी
अस्कन तो मिन जुर्रियति बेवादिन गैर जी जर इन इंद बैत कल मुहर्रम रब्बना लियुकीमु सलाता फजाल अफीदतम मिन अन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुकहुम मिन अस्समराती लअल्लहुम यश्करून। जनाब खलीलुल्लाह दुआ कर दे रहे अरशा वाले अरबा ऐ बे आबो गया जंगल दे अंदर अल्लाह मैं अपनी अहलिया नू बैठा के ते अपने पुत्र नू बैठा के आया अरशा वाले अरबा इन्हां नू नमाजी बना दे। और कितनी फिक्र जनाब खलीलुल्लाह नू एक होर नबी दा तज़किरा सुन लो ए बाप अपने पुत्र वास्ते दुआ करदा है हुण पुत्र ते अल्लाह ने कितनिया करम नवादियां कीतियां अल्लाह फरमांदे ने वाजो कर फिल किताबी इस्माईल इन्नहु कान सादिकल वादी व कान रसूल नबिया व कान यामुर अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कति व कान इंदा रब्बी मर्ज़िया। जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमदे में अरशा वाले अरबा अल्लाह मिनू ते मेरे अहलो अयालो अपनी रहमत ना नमादी बना दे। खुदा दी कसम रब भी अपने अल्लाह दे नबी भी रब दे सामने दुआवां कर रहे मैं किस किस नबी दा तस्किरा करां हर नबी नमाज दी पाबंदी दी दुआ करदा है और अपने अहलो अयाल ते अपनी कौम वास्ते करदा है ते आमिना दलाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आली वसल्लम ने मेरे आका नु भी अल्लाह जुल जलाल ने आर्डर फरमाया फरमाया फसल्ले ले रब्बे गवन हर ए मेरे महबूबा नमाज भी पढ़नी है ते कुर्बानी भी करनी है आओ जरा नमाज भी अपनी चेक कर लईए आमिना दलाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने जदों अल्लाह दा गुनाहगार बंदा रब दे सामने आउंदा आओ मैं नमाज दा फायदा बयान करां कि नमाज पढ़न दा फायदा की है नमाज पढ़न दी अहमियत की है नमाज पढ़न दी फजीलत की है। आमिना दलाल अलैहि सलाम फरमांदे ने जदों बंदा बावजू हो जांदा है ते वजू करके अपने रब दे सामने खलोन लगा है अपने अहकामुल हाकिमीन दी अदालत दे अंदर आउंदा है ते मेरे आका फरमांदे ने मन तवज्जा फा अहसन अल वजू जेड़ा बंदा अच्छे तरीके ना वजू करदा है पता ए लगा नमाज तो पहले तहारत भी शरत है नमाज तो पहले वुजू भी शरत है अपना वुजू वेखो नबी दे तरीके दे मुताबक है कि नहीं है ए नहीं एडी सुकी रह गए ते कोई हर्ज नहीं है कूनी ते पानी ना पहुंचे ते कोई हर्ज नहीं है चेहरे दा कोई अजा सुका रह जे ते कोई हर्ज नहीं है ना ना मेरे मुसलमान
जान वीरा और नमाज दा फायदा की है। आमिना दलाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा अच्छे तरीके ना वुजू करदा है फिर रब दे सामने अल्लाह दी तरफे चेहरा करके खलो जांदा है अपना आप भी अल्लाह जुल जलाल दे सामने और वुजू करके पढ़दा की है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर हर्ज की है असा वुजू कर दे गुफ्तगू करी जाने कोई वुजू दे तकाजे आंदा ख्याल नहीं रखदा नाराज ना हो जाया जे लाहौरी बड़े ही खुश नसीब बंदे हो अल्लाह ने तुहानू मरकदी जीनत बनाया है मेरे आका फरमांदे ने जदो बंदा बा वुजू हुंदा है ते वुजू करके कलिमात मेरे मुस्तफा दे तरीके दे मुताबिक अदा करदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سرکار فرماندے نے اے وضو اجے نماز نہیں پڑھی اجے وضو ہی کر کے ہٹے آئے اے کلمے پڑھ کے اللہ ذل جلال دی تعریف کر کے ہٹے آئے تے میرے آقا فرماندے वाजबत लहुल जन्नत शमानिया अल्लाह जुल जलाल ऐसे मोमिन बंदे वास्ते अपनी जन्नत दे अठे दरवाजे ही खोल दिंदे ने किन्ना प्यारा अजे वुजू कीता निमाद नहीं दूसरी हदीस सुन लो ए मुस्लिम बुखारी दी रवायत है मेरे आका फरमांदे ने जदो बंदा अच्छे तरीके ना वुजू करदा है ए दुआ पढ़िया करो ते दूजी हदीस सुन लो आप फरमांदे ने जदो बंदा आसन तरीके ना वुजू कर लैंदा है अजे वुजू कीता फिर सुन्नत दे मुताबिक दुआ पढ़ लैंदा है ते मेरे आका फरमांदे ने फिर दो रक वुजू दे अदा करदा है जिनू तहय्यतुल मस्जिद या तहय्यतुल वुजू किया जांदा है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने वाजबत लहुल जन्ना अल्लाह जुल जलाल उस अपने बंदे ते अपने जन्नत नु वाजब फरमा देंदे ने यार दो रख तुसी आखो दलील की है मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम मेराज ते पहुंचे हुजूर अली सलाम रब दे जन्नत दा दीदार ते सैर कर रहे ने मेरे आका अली सलाम की अपने कन्ना ना सुनदे ने के जन्नत दे अंदर किसे दे चलन दियां आवाज आ रही ने उना दे कदमा दा खड़ाक जेड़ा मेरे मुस्तफा जन्नत अंदर सुन रहे ने आप फरमान ने जिबरील ए कौन बंदा के जिदे जन्नत दे अंदर चलन दे आवाज आ रहे ने ते मेरे आका अली सलातो व सलाम नु जिबरील बयान कर दे ने हुजूर बला कौन हो सकदा रब दे जन्नत दे अंदर तो अगे अगे, अगे टुरन वाला अल्लाह दे नबी जी ए तो आड़ा गुलाम बिलाल तुरदा जमीन ते ए दे चलन दी आवाज़ रब दे जन्नत चा रहियां ने मेरे आका आए आपने सुबह दी नमाज मुकम्मल फरमाई ना बिलाल बिलाल किते हुजूर में हाजर ते मेरे आका फरमान ने बिलाल दासना
यार केड़ा अमल शौक ना करना है, तवज्जो करे आजे, केड़ा अमल शौक ना करना है। अल्लाह दे नबी ए वी ते तुहानू पता है, बिलाल वेखदा बकांदा है उमैया दी गुलामी दे विच, सोणिया तुहाडे दरे दौलत ते आया, कोई सी मुजर नहीं, कोई मालो मनहाल नहीं है, सोणिया गरीब ते माड़ा जिया बंदा तुहाडा गुलाम बिलाल है। बिलाल केड़ा अमल करना है, खुदा दी कसम नीयत दा फल मिलदा है। ए अमल अपने दिलो दिमाग दिया तख्तियां ते नोट करके ला जाया जे, हुजूर जदों मैं वुजू करना वा, मैं दो रकत तहय्यतुल मस्जिद या तहय्यतुल वुजू अदा करना है। आका फरमाने बिलाल ए तू अमल अल्लाह दी रज़ा वास्ते करना है, तेरा अमल रब नूं इन्ना पसंद है। बिलाल तू टुरदा मक्के मदीने दियां गलियां विच, तेरे चलन दियां आवाज़ां मैं अपने कन्ना ना रब ते जन्नतां च सुन के आया हूं। ओए अमल अगरचे छोटा, अल्लाह ये अमल करने दी तौफीक नसीब फरमाए। हुण बंदा आया फायदा की है नमाज दा, हुण बंदा आया ते एक एक कदम दे बदले अल्लाह अपने बंदे नूं नेकियां अदा करदे जांदे ने। मेरे आका फर बंदा आया मस्जिद के अंदर ते पता की आंदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू बहुत बड़ा है। खुदा दी कसम जेड़े अल्लाह नू बड़ा नहीं मानते, मैं आना काबातुल्लाह दा तवाफ रुक सकता है, दर्जिया तेरी मशीन क्यों नहीं रुकी नमाज दे वेले, खरादिया तेरा खराद क्यों नहीं रुकिया नमाज दे वेले, फैक्ट्री दिया मालिका तेरी फैक्ट्री अहम है या अल्लाह दा होका अहम है। आ जेड़े रब दे दरबार विच आउंदे ने, हदीस पाक दी अंदर आउंदे अल्लाह दे सामने इंज मशीने ते हाथ रख के बंदा खलो जांदा ते पढ़दा की है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खता आया, किते पढ़दा सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका। ऐ मेरे आका दी हदीस ऐ भी याद करके ले जाओ, फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने, फरमाया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बात बैनल मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्कनी मिनल खताया कमा युनक्कस्सुबुल अबयज़ु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग्सिल खताया बिल माई वस्सल्जी वल बरद। ए 80 साल दा हो गया ते तौहीद मरकज अंदर आया, 100 साल दी उम्र ते इनू ख्याल होना आया, रब दे सामने खलो जांदा है, अपने गुनाह जेड़े इंज अपने सर ते उठाए ने, पहले अपने जुर्मां दा इतराफ करदा है। हदीस पाक दे अंदर आउंदे मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने, अल्लाह जुल जलाल कसम तु सलात बैनी व बैना अबदी, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने रब दा फरमान है ते मेरे आका अली सलाम दा पैगाम है, फरमाया कसम तु सलात बैनी व बैना अबदी। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूबा, मैं नमाज नू अपने ते अपने बंदे दे दरमियान अद्धियां ते कर दिंदा है, ए रब दे सामने एहो ही दुआ पढ़दा है। तौहीद मस्जिद दे अंदर आया और किसे मरकज ते मस्जिद दे अंदर पहुंचया ते तर्जमा की है, अल्लाह मेरे गुनाह तुमनू इन्ना दूर
दूर कर दे जिमें मशरक ते मगरब दा फासला अल्लाह मेरे गुनाह इंज धो दे जिमें मैल कुचाल तो सफेद कपड़ा साफ हो जाता है अल्लाह मेरे गुनाह बर्फ नाल औले आना पानी नाल धो दे पहले अपने जुर्मा का इतराफ किया हुन रब की रहमत का ये बंदा खलो के ओदी रहमत का सवाल करदा है लोग बदबख्त ने जेड़े आंदे ने यार तेनू नहीं रब ने बख्शना अल्लाह फरमान ने बंदे तेरे आउन वे ते देर हो सकती है पर मैं रब दे माफ करने अंदर देर नहीं हो सकती हुण की आंदा आंदा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब दी तारीफ करदा ये किथे बैठा मस्जिद तो ही दे कलीन ते बैठा अल्लाह अपने फरिश्तियां दे अंदर बैठे ने आंदा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ए रोंदा ए आंसू बहांदा है रब दे सामने गिड़गड़ांदा है अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे फरिश्ते वेखो रात दी तन्हाई अंदर एदे सारे लोग सुते में ए मेरे सामने आके खलोंदा है ते पता की आंदा है अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ते रब की आंदे ने फरमाया हमदानी अबदी ओ फरिश्तियो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान कीती है ए की आंदा है अर्रहमान रहीम अल्लाह तू रहमान भी है अल्लाह रहीम भी है फरमाया असना अलैया अब्दी बंदे ने मेरी सना बयान कीती है ए की आंदा मालिकी उम्मीदीन ते रब की आंदे ने मजदानी अब्दी इस बंदे मेरी बुजुर्गी बयान कीती है खुदा दी कसम जद इन्ने कलिमात पढ़दा रब फरमांदे ने ए मेरे आ बंदिया हुण मंगदा जा मैं अल्लाह तेनू अता करदा जावांगा खुदा दी कसम दसो रब नाल सोला नहीं ए नमाज दा फायदा नहीं ते की है ते पता की आंदा कुरान हदीस दी तर्जमानी नमाज और सूरत फातिहा दी तर्जमानी मैं अपनी ते तुहाडी बोली अंदर कर जावां फरमांदे मैं तेरी जात सुबहान है सुबहान अल्लाह तेरी जात रहमान रहमान अल्लाह नाले रोंदा पे है नाले अथरू बहांदा पे है रब दे सामने खलोता है रब दी तारीफां करी जांदा है अल्लाह दर ते होर बड़े ने पर तेरे दर तो वध के कोई दर हो नहीं सकदा तेरी जात सुबहान है सुबहान अल्लाह तेरी जात रहमान रहमान अल्लाह तेरे सेवा कोई जाने ना मिनू पेती दलांदा पछाने ना मिनू अल्लाह तेरी तेरे कोल रहमत है अल्लाह मेरे कोल बदियां दे लखा खजाने तेरे कोल बख्श दे लखां बहाने है कुल कायनात दा खालिक तू कल्ला सब दा दाता तू है मेरे अल्लाह ते किते की आंदा अल्लाह आजज तेरा मैं बंदा हां खा चंगा हां खा मंदा
अल्लाह नु अपनी रहमत अता कर दे, मेरी हर एक माफ खता कर दे। अल्लाह तू आखिया सी गैर थी ना मंगी, मेरे कोलो मंगदा ना संगी, अल्लाह नु होर किसे दी लोड़ नहीं, तेरे खजाने दे विच थोड़ नहीं। इयाका नअबुदु व इयाका नस्ताईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हुण मंगदा जांदा ते आमीन तक पहुंच जांदा है, ते कुरान पाक दा कोई मुकाम पढ़दा है रुकुए चला जांदा, उथे की आंदा सुभान रब्बी अल अजीम समी अल्लाह मन हमें। आ याद करके ले जाओ, समे अल्लाह मन हमदा रब्बना लकल हमद हमदन कसीरन। दुआया कलिमात पढ़ दे फिर हुण सजदे अपना सर रख देंदा है। मैं दसना एवे रब दा गुनागार बंदा पहली बारी आया, अल्लाह मैं खुलो के भी अपने जुर्मा दा इतराफ कीता, तेरिया तारीफा कीतिया, तेरिया हमदा ते सनावा बयान कीतिया। अल्लाह बड़े बड़े दरां तो बड़ा तेरा तार है, मैं रुकुए पिया तेरे वास्ते। हुण सजदे अंदर मैं सर सुट लिया है, अरशा वाले आ रब्बा हुण मैं अपना सर नहीं जे चुगना, हुण मैं अपनी निहा तेरे सामने चुका दीती है। अल्लाह तेरे थर या कोई थर नहीं, अल्लाह तेरे घर जिया कोई घर नहीं, अल्लाह तेरी चौखट दे कोई चौखट नहीं। हदीस पाक दी अंदर आंदा अल्लाह दी जात बंदे दे सब तो ज्यादा करीब है, ते सजदे दे हालत अंदर है इंज लगदा जिवें रब दे कदमां विच सर सुट दिता है। हुण रोई जांदा है, अलसू बहाई जांदा कि गढ़ाई जांदा, ते सुबान चो की आंदा है सुबहान रब्बी अल आला सुबहान कल्ला हुम्मा रब्बाना वाबी हमदे का अल्लाह हुम्मा गफिरली। नाल रुंदा रब अपने फरिश्तियां नू खिताब कर रहे ने, ए मेरी ओ फरिश्तियो गवाह हो जाओ मर को तो ही दंदर पहली बारी ए बंदा मेरे सामने अपना मथा टेक के प्लेटे आए, यानी सजदे दे आलम दे अंदर ने फरमाया गवाह हो जाओ मैं दी जिंदगी दे गुनावन नेकियां पना के ते अपना जन्नत दे नाम में लगा दिता है। ऐ फायदा नमाज इनू मुत्तकी किया, ते जेड़े बंदे रब दे सामने सजदा नहीं ना करदे ते करदे उंजने के लोग मैनू वेखण बड़ा नमाजी है, बड़ा तहज्जुद गदार है, बड़ा जनाब ऐ निमादापन उन्हां दे बारे सुन लो। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद अल्लाह तेनू मैनू सजदे दी तौफीक अता फरमा दे। आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा, रब्बुल आलमीन दा दरबार लगेया होएगा, अल्लाह जुल जलाल अपनी अदालत दी कुर्सी ते मुस्तफीद होणगे, ते रब्बुल आलमीन अल्लाह जुल जलाल इंज करके अपने जिस्म तो कपड़ा उठाणगे, यानी अपनी पिंडली नू मेरे अकाली सलात तो
वसलाम नंगेया करनगे। रब दी पिंडली इन्नी खूबसूरत हो, सुभान अल्लाह, रब दी पिंडली इन्नी खूबसूरत होएगी, इन्नी पारोब होएगी, ते नमादा दुनिया ते पढ़ने वाले, अल्लाह नू याद करने वाले, रब दी पिंडली नू वेखणगे, बेसागता रब दे सामने सजदे दे अंदर पै जाणगे। और कुरान ने ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने यौमा युक्शफु अन साकिल व युदाउना इला सुजूदी फला यस्ततीउन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला व कद कानु युदाउना इला सुजूदी व हुम सालिमून। साक पिंडी नु किया जांदा है, रब दे सामने सजदा रेज हो जाणगे। कई ऐसे बदबख्त भी होणगे कि जेड़े सजदा करनगे उन्होंने सजदे की तौफीक नहीं होएगी, उन्हां दियां कमरां तख्ता बन जाणगियां। अल्लाह ये ते दुनिया अंदर सजदे करिया करदे सन, ये ते नमाज़ां दुनिया अंदर पढ़िया करदे सन, फरमान नमाज़ां ते पढ़दे सन, इस वास्ते लोकी मैनू तहज्जुद गदार गर्दानन, लोकी मैनू नमाज़ी आखन, मेरी मुआशरे अंदर बल्ले बल्ले हो जाए। खुदा दी कसमे कुरान की आंदा, खाशियतन अब सारू तरहकुहुम जिल्ला, उस वेले जिल्लत रसवाई दे इलावा कोई अमर पेश नहीं होएगा। खुदा दी कसमे अल्लाह को दुआ करिया कर, अल्लाह मैनू सजदे दी तौफीक नसीब फरमा दे। उस वक्त जिल्लत रसवाई तेरा मेरा मुकद्दर बनेगी। ते जेड़े मोमिन ने उन्हां दा तस्करा कुरान की करदे, अल्लाह फरमांदे ने कद अफलाहल मुमिनून। वाह कुरान, मैं तेरी असमत तो कुर्बान जावा, लख वार अपनी जिंदगी गोल गवावा, रब्बुल आलमीन दा कुरान की ऐलान कर रहा है। मोमिन बंदियां दा तस्किरा अल्लाह दा कुरान कर रहे है। अल्लाह फरमांदे ने कद अफलाहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह सानू इन्हां बंदियां अंदर शामिल फरमा ले। कद अफलाहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिज़ून वल्लज़ी वायज़ानी शहीद वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़ाकाति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजी महाफिज़ून इल्ला अला ज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللہ فرماندے نے مومن تے کامیاب ہو چکے نے۔ اللہ مومنہ دی کامیابی تے کامرانی دا سبب کی ہے؟ ایتھے تے بندہ کامیابی لبدا ہے، میں فیکٹری دا
दा मालिक बन गया, मैं कारखाने दा मालिक बन गया, मैं मिलते प्रॉपर्टी ओनर बन गया। फरमाया अपनिया नमाजां दे अंदर खुशू खुशू इख्तियार कर देने, लगवियात गल्ला तो रुक देने, माल पा करन वास्ते सकातां देन देने। शुरू अंदर भी अल्लाह ने नमाजी दा तस्करा कीता है, हुण की आंदा रब अपनी नमाज़ां दी हिफाजत करने वाले। फरमाया ओलाइका हुमुल वारिसून, ए लोग वारिस बन गए अल्लाह इन्हां बंदियां नूं के चीज़ दे वारिस बना दिता है। अल्लाह इन्हां नूं केड़ियां केड़ियां नेमतां नाल माला माल कर दिता है। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, मैं इन्हां बंदियां नूं अपनी रहमत नाल जन्नत अल फिरदौस दे वारिस बना दिता है। ते पैगाम ते मैसेज की है, और जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत बढ़न दिया, जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत बढ़न दिया, तू पाल आदता पंज नमाजा पढ़न दिया। और जे दिल विच तांगा लगिया जन्नत बढ़न दिया, तू पाल आदता पंज नमाजा पढ़न दिया, पंज वक्त दा नमाजी बन जा तू बड़ा फायदा है। उस रब नू करिए राजी किता जिस पैदा है, हुन छड़ दे आदतां तरक नमाजा करन दिया, तू पाल आदतां पंज नमाजा पढ़न दिया। कुरान दी गल मन, नबी पाक दी गल मन, बड़ा नजारा है जे पढ़िए ना निमाते नहीं गुजारा है। हुन छड़ दे आदतां रब दे हुक्म अगे अड़न दिया, तू पाल आदतां पंज नमाजां पढ़न दिया। और जेड़ी इब्तदा दे अंदर मैं कुरान पाक दी आयत पढ़ी है, गल एक डेट मिनट अंदर मुकाना चाहना, वक्त मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे में जे नमाज़ ना पढ़िया फिर कयामत दे दिन रब्बुल आलमीन दे दरबार ते अंदर जदों पहुंचेगा उथे आखेगा मुगलपुरे अंदर फलाक में सब्जी लिंदा रहा, फलाना कम कार करदा रहा, फलां दे ठेले ते ओदी बैठक दी पैणी बैंदा रहा, अज मेरा ते ओदा फासला क्यों हो चुका है। रब्बुल आलमीन फरमानगे उन्हां नमाज़ां दी परवाह नहीं कीती, उन्हां दा ठिकाना जहन्नम दे अंदर है, तुहाडा ठिकाना जन्नत दे अंदर है। ए अरशां वाले या रब्बा, क्या साडी उन्हां दी मुलाकात हो सकती है कि नहीं है? फरमाया क्यों नहीं, जरूर हो सकती है। ते रब्बुल आलमीन दा कुरान सुन लो, फरमाया फी जन्नती यतसाअलून अनिल मुजरमीन मा सलककुम फी सकर। ओए फायदा ना उठान वाले आ, जन्नती सवाल करनगे यार तुहाडी साडी दूरी क्यों पै गई है, तुहाडा सा
ਸਾਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮੁਖਤਲਫ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ ਸੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੋਇਲੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਬੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਾਲੂ ਲਮ ਨਕੁਮ ਨਲ ਮੁਸੱਲੀ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਏ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਲੰਘਾਵਣ, ਕਰਨ ਸਜੂਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ, ਕਰਨ ਸਜੂਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨਿਆਜ਼ ਕਮਾਵਣ। ਐ ਗਾਫਿਲ ਤੂੰ ਸੁਤਿਆ ਸੁਤਿਆ, ਐ ਗਾਫਿਲ ਤੂੰ ਸੁਤਿਆ ਸੁਤਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੋਖੀ ਨਾਲ ਖਵਾਵੇ। ਓਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਰਾਤੀ, ਆਕਿਮ ਸਲਾ ਦਲਿ ਦੁਲੋ ਕਿ ਸ਼ਮਸੀ ਇਲਾਗਾ ਸਾ ਕਿ ਲਈਲ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਰਾਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੇ, ਕਈ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਈ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਮਰੇਂਦੇ। ਓ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਗਣ ਕਾਰ, ਆਖਰੀ ਮਿਸਰ, ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਗਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂਗ ਵਥੇਰੀ, ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਉਹ ਗਫਲਤ ਅੰਦਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਉਖੜੇ ਤੇਰੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਫੀ ਜੰਨਾਤੀ ਯਤਸਾਲੂਨ ਅਨਿਲ ਮੁਜਰਮੀਨ ਮਾ ਸਲਕਕੁਮ ਫੀ ਸਕਰ, ਕਾਲੂ ਲਮ ਨਕੁਮ ਮਿਨਲ ਮੁਸੱਲੀਨ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਾਕਾਰ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ। ਅੱਲਾ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹਲੋ ਅਯਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ੱਬਰ ਮੇ ਈਮਾਂ ਕੀ ਹਰਾਰਤ ਵਾਲੋ ਨੇ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਥਾ, ਬਰਸੋਂ ਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਨਾ ਸਕਾ। ਆਖਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।